सोलन में नगर परिषद पर 5 वर्षों पर भाजपा के अध्यक्ष काबिज रहे हैं और इन 5 वर्षों में भाजपा का ही वर्चस्व नगर परिषद में रहा है, लेकिन इन 5 वर्षों में सोलन में विकास कार्य न के बराबर हुए हैं, ये सोलन शहरवासियों का मानना है। शहरवासियों के अनुसार जो मुख्य समस्याएं 5 वर्ष पहले थी, वही समस्याएं आज भी वैसे ही खड़ी है। आज तक नगर परिषद उन्हें हल नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नगर परिषद में भी भाजपा काबिज है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है तो विकास के कार्य में तेजी मिलेगी, लेकिन विकास तो नहीं हो पाया। अलबत्ता भाजपा पार्षद आपस में ही विभिन्न मुद्दों को लेकर उलझे रहे और विकास सोलन नगर परिषद से अछूता रहा। नगर परिषद के कार्यकाल से रुष्ट शहरवासियों ने कहा कि विकास क्या होता है, ये शहरवासी भूल चुके हैं। 5 वर्ष पहले भी सोलन में पार्किंग की समस्या थी, आज भी शहर में पुराने बस स्टैंड और पुराने उपायुक्त कार्यालय के समीप स्थान होने के बाद भी पार्किंग नहीं बन पाई है। पानी की समस्या, गर्मियां हो या सड़कों की हालत, कई जगह बेहद खस्ता है। उन्होंने कहा कि पार्किंग न होने की वजह से सबसे बड़ा असर सोलन के व्यवसाय पर पड़ा है। लोग चालान के डर से शहर में आना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि पर्यटक भी सोलन में आकर बेहद मायूस होते हैं। उन्होंने कहा कि अब सोलन नगर निगम बन गया है, अब उन्हें उम्मीद है कि सोलन में विकास फिर से आरंभ होगा। उन्होंने कहा कि शहर में कूड़े की व्यवस्था बेहद खराब है, चारों तरफ गंदगी का आलम बना हुआ है, ऑनलाइन बिल भुगतान की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के पार्षद सोलन में विकास करने की बजाय लड़ते रहे, जिसकी वजह से विकास नहीं हो पाया। सोलन कॉरपोरेशन बन गया है, अब आने वाले समय में हमें बहुत अच्छी तरक्की की उम्मीद रखते हैं, परंतु जो गत 5 वर्ष रहे हैं इस कार्यकाल, मतलब जो कमेटी के, वो एक मिक्स बैग ही रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो सोलन शहर के जो व्यापारी वर्ग महसूस करता है वो है पार्किंग की। पार्किंग के ऊपर शहर में कोई ज़्यादा व्यवस्थित कार्य नहीं हुआ है। जो पार्किंग पिछले 4-5 साल 10 साल से डेवलप हो रही थी, उनमें कोई विशेष प्रगति नज़र नहीं आई है। तो मैं समझता हूँ कि एक मतलब पार्किंग के ऊपर अब जो कॉरपोरेशन, जो नए लोग आए, उनको पार्किंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पार्किंग अच्छी होगी तो उससे व्यवसाय भी बढ़ेगा और बाहर का टूरिस्ट शहर में आना पसंद भी करेगा। अब पार्किंग ना होने से शहर में ना बाहर का टूरिस्ट आ पाता है, ना हम व्यापारी वर्ग को व्यापार में बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। दूसरा, जहां तक सवाल है पानी का और सफाई का, सफाई अब क्योंकि कुछ प्राइवेट हैंड्स में दे दिया तो कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट तो नज़र आती है सफाई में, परंतु पानी में अभी और व्यवस्था को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और जो नई कॉरपोरेशन जो अब आगे आएंगे तो उसमें अब HAS अधिकारी भी बैठेंगे, तो हम समझते हैं कि भी हमारे पानी की जो समस्या कहीं कहीं कुछ पॉकेट्स में रहती थी, वो अब आगे नहीं होंगी। 100% फेल हैं, जो इनको काम करना चाहिए था नहीं कर पाए या आपस में ही लड़ते रहे, जिनका काम करना चाहिए था वो कर नहीं पाए या आपस में लड़ करके इन्होंने, पहले तो पवन गुप्ता जी काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत ठीक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे कोई पता नहीं, पर जो उसके बाद ये लड़े हैं आपस में, उसके बाद जो भी काम हुआ है इनका, वो जो काम होना चाहिए वो हुआ नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो कर दिया। सबसे बड़ी जो कमी हमारे को लगती है वो ये है कि इन्होंने हमसे कूड़ा हमारी दुकान के आगे लेना शुरू कर दिया, हमको खड़े होना पड़ता है उनको देने के लिए। घर पर भी ऐसा ही है, कभी वो छोड़ जाते हैं कभी ले जाते हैं। पर जो सबसे घटिया बात है कि इनके पास कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है पैसे बिल जमा कराने की, और जो ये कूड़े का बिल भी है हमको जमा कराने उनके ऑफिस में जाना पड़ता है, और अगर ना जाएं तो वो उसकी पेनल्टी लगती है। ये जो काम हमने हमको लगते हैं होने चाहिए नगर परिषद के, जब नगर परिषद में काम नहीं हो पाए तो नगर निगम क्या करेगा, उसको तो एरिया भी फैल जाएगा। मेरे विचार में तो ये काम ठीक नहीं है। सोलन के माल रोड पे एक छोटा सा व्यवसायी हूँ। सोलन नगर हमेशा ही उपेक्षाओं का ही रहा है, चाहे वो नगर पालिका हो या गवर्नमेंट हो, यहाँ पर कभी भी कोई भी सुविधा जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है। अब ये नगर निगम बन गया है, पहले तो नगर पालिका थी। तो नगर पालिका के जो पिछले 5 साल हैं उसमें हम अगर बात करें कार पार्किंग की, तो 25 साल से कार पार्किंग लटकी हुई है रेलवे रोड पर। उसके अलावा बस स्टैंड पर जो पार्किंग बननी है वो पिछले 15 सालों से लटकी हुई है। तो यहाँ पे काम करने का तजुर्बा मैं नहीं समझता किसी भी पार्षद ने कोई ढंग से काम किया या बहुत अच्छा काम किया हो। जहाँ तक सफाई व्यवस्था है वो थोड़ी सी सुचारू रूप से चली है, लेकिन फिर भी अभी भी उसमें भी बहुत कमियाँ हैं।
तो अगर तो हम चाहेंगे, सोचने वाली बात यह है कि अगर सोलन शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारना है तो नगर पालिका को या नगर निगम जो बनने जा रहा है इनको सबसे पहले जो पार्किंग की सुविधा है सोलन शहर में, चाहे वो ओल्ड डीसी ऑफिस हो वहाँ पे दे सकते हैं, रेलवे रोड पे पार्किंग बन रही है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, पुराने बस स्टैंड पे जो पार्किंग का इनका प्लान है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये दो चार चीज़ें काम हो जाए तो ये पार्किंग की सुविधा हो जाए और तो अपना ट्रैफिक का व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएगी। पानी की तो प्रॉब्लम पिछले 40 सालों से रही है, डॉक्टर बिंदल जी ने बहुत अच्छा काम किया था, थोड़ी सी क्या बोलते पानी की सुविधा मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है सोलन शहर की वैसे वैसे ये दोबारा से ही पानी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है। गुप्ता माल रोड सोलन, मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिछले 5 साल का टेन्योर कोई ऐसा कोई बहुत बढ़िया भी नहीं रहा काउंसलर्स के अकॉर्डिंग। मतलब एक तो मतलब हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे पार्किंग का जो मेन मुद्दा है शहर का जो कमेटी सॉल्व नहीं कर पाई, तो मतलब सारा सोलन का जो बिजनेस कह लो या अपने बाहर से टूरिस्ट है उनको बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत होती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अब जो नया टेन्योर आ रहा है उसमें सबसे पहले जो काम होना चाहिए पार्किंग का होना चाहिए, और पार्किंग के बाद ही और मतलब सेकेंडरी कुछ भी करना है तो पहले सब वो कुछ और बाद में करें, पहले सबसे पहले पार्किंग के ऊपर करें जो भी करना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है शहर का पार्किंग का, मतलब कहीं पे किसी को आना माल रोड पे कहीं आना जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है।